अपना देश हो या प्रदेश, हर जगह बढ़ती आबादी की वजह से खेती योग्य जो भूमि है वो लगातार कम होती जा रही है। हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ताज़ी सब्जियां खाने के शौकीन हैं और उनके पास खेती योग्य भूमि भी नहीं है, या फिर वो बड़े शहरों में रहते हैं तो खेती करना तो संभव होगा नहीं ऐसे में, इसीलिए वो अपने घर की छत पर कुछ सब्जियां उगा लेते हैं। और हमारे देश में ये चलन आज तेजी से बढ़ भी रहा है, लेकिन छत पर धान, गेहूं, तरबूज जैसी फसलें लगाना बेहद मुश्किल काम है, लेकिन ऐसा भी हो रहा है। बात करें भारत के पड़ोसी देश चीन की। यहाँ एक शख्स है पेंग कुजिन, ये अपने घर की चौथी मंजिल पर लगभग हर तरह की फसलें लगाते हैं और उपज कम नहीं लेते हैं। जो भूमि पर साधारण तरीके से खेती होती है उससे कहीं ज्यादा तक ये उपज प्राप्त कर लेते हैं, कभी कभी तो ये उससे 30-40% तक ज्यादा उपज ले लेते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इनके जो घर की छत है उस पर इन्होंने 120 वर्ग मीटर क्षेत्र में तरबूज की खेती की थी, जिससे इन्होंने 400 किलो तरबूज लिए थे, है ना कमाल की बात। और पेंगुजिन का ये खेत लोगों के लिए आज उत्सुकता का केंद्र बना हुआ है। सचमुच ज्ञान कहीं से भी मिले बटोर लेना चाहिए। और पेंगुजिन का ये जो खेती करने का तरीका है ये सभी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर लोग अपनी छतों पर इस तरह से खेती करना शुरू कर दें तो देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।